आज हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो कि समाज सेवी हैं, अजय कुमार संदल। तो हम उनसे बात करते हैं। 1 सितंबर को उनका जन्मदिन था और उनका जन्मदिन इतने सादा तरीके से मनाया गया कि जिस शख्स का जन्मदिन हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार जन्मदिन कब मनाया गया मालूम भी नहीं पड़ा। तो उनसे बात करते हैं। जी अजय भाई, आपका स्वागत है डीटी न्यूज़ में। मसरत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बर्थडे जन्मदिन तो आते रहते हैं, पर इस कोरोना काल में ज़्यादा धूमधाम ना करते हुए बहुत ही सादगी तरीके से ये जन्मदिन मनाया गया है, क्योंकि इस कोरोना महामारी के बीच में पूरी जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो धूमधाम से तो जन्मदिन मनते रहेंगे, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, पर ये बहुत ही सादे तरीके से जन्मदिन मनाया गया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमने दिल्ली टाइम्स में भी मेरा जो ये बर्थडे की विशेष दी है मुसरत कैसे जी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं यार, बात तो ये थी ना कि आपका जो जन्मदिन था, हम देखते थे कि कई बार हम आपके जन्मदिन में शामिल भी हुए हैं। आपका जन्मदिन इस तरह से मनाया जाता था कि बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होता था, आप ज़रूरतमंद गरीबों की भी हेल्प करते थे उस समय, और जो आपके रिश्तेदार वगैरह आते थे उनके साथ खुशियाँ मनाते थे अपने यार दोस्तों के साथ। तो इस बार कोई नज़र नहीं आया, तो इसलिए हमने दिल्ली टाइम्स में आपकी ये खूबी है जो हमने छापी, हमने जो अपना फ़र्ज निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए आपका। मैं चाहता हूँ कि पूरे जो भी लोग हैं जो अपने जन्मदिन पार्टियाँ धूमधाम से मनाते थे, बड़े ही अभी सादे तरीके से बनाएं कि किसी को भी कोई कोरोना से कोई नुकसान ना पहुँचे, और बहुत ही सादगी तरीके से अपना जन्मदिन मनाएं, उसी में ही इस टाइम मज़ा है। अच्छा, और दिल्ली टाइम्स अखबार आप पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं दिल्ली टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतना अच्छा न्यूज़ चैनल न्यूज़ पेपर बनाया है इन्होंने, जो पूरे के पूरे इलाके में छा गया है एक तरीके से, और बहुत ही शानदार खबरें छापता है वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अजय कुमार संदल। अजय कुमार संदल जी हमारे साथ थे। इन्होंने एक बात कहा कि कोरोना महामारी का दौर जो चल रहा है, अभी तक लॉकडाउन तो कम हुआ है, खुल गया है, लेकिन फिर भी बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आप भी याद रखें कि विवाह शादी है, किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम है, उसे ज़रूरत के हिसाब से मनाएं। गैर जिम्मेदाराना कोई ऐसा काम ना करें कि देश के लिए, देश की जनता के लिए खतरा हो, देश के लिए, देश की जनता के लिए कोई खतरा हो। डीटी न्यूज़ से मैं मुसर्रत कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ।